हेलो दोस्तों, फुल एजुकेशन सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो चैप्टर है, ये जीएसटी आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो टैक्स का सब्जेक्ट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि अभी इस बार जीएसटी आया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ये आपको चैप्टर दिया गया है। और इस चैप्टर में आपको कुछ प्रैक्टिकल सम दिए गए हैं, तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम पे आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आपके सामने। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट फॉर शेयर। ओके, शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मिसेस संगीता रजिस्टर इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देख, याद से देखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र मेंशन किया गया है। तो महाराष्ट्र प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कैलकुलेट हर नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हमको नेट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज ऑन 1 जुलाई, एंड आईजीएसटी प्रोवाइड किया गया है 17,000, सीजीएसटी प्रोवाइड किया गया है 15,000, एसजीएसटी प्रोवाइड किया गया है 15,000। थोड़ा व्यू बता देती हूँ कि एसजीएसटी मीन्स की स्टेट गवर्नमेंट टैक्स मारेगी जीएसटी पे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स मार रही है सीजीएसटी, एंड आईजीएसटी मीन्स की आउट ऑफ द स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र के बाहर का जो भी कुछ होगा वो आपका आईजीएसटी में मेंशन किया जाएगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ दिया गया है। सोल्ड गुड एट द रेट 5% जीएसटी टू अमित इन जोधपुर। जोधपुर महाराष्ट्र के बाहर आ रहा है। ओके, तो जोधपुर कंसीडर किया जाएगा आईजीएसटी में, यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं कंसीडर किया जाएगा? बिकॉज कि जोधपुर महाराष्ट्र के बाहर में आता है, महाराष्ट्र के अंदर का नहीं है। सोल्ड गुड एट द रेट 12% ऑफ जीएसटी टू अभय इन मुंबई। मुंबई पे बोला है कि सोल्ड किया है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों में जाएगा। तो ये जो अमाउंट है उनको, जो उनका जो रेट है वो निकालने के बाद किस तरीके से सम करना है। डायरेक्ट सम पे आते हैं और आपको पूरा डिटेल में मैं बताती हूँ कि किस तरीके से सम करना है और आंसर हमें निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लिखना होगा कि कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी मिसेस संगीता फॉर मंथ ऑफ जुलाई। जिस तरीके से क्वेश्चन की डिमांड है उसी तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे बोला था कि डिटेल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो यहाँ पे मिसेस संगीता का जो भी इंफॉर्मेशन है इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है इन योर पेपर व्हेन यू गिव योर एग्जाम। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ इस तरीके से आपको लिखना है। देन आफ्टर जब आप लिखोगे देन पर्टिकुलर कैलकुलेशन एंड आईजीएसटी रुपीज, सीजीएसटी रुपीज एंड एसजीएसटी रुपीज, इस तरीके से कॉलम बना के आपको लिखना होगा। जब कॉलम बना लिया है तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी आपको यहाँ पे बोला है कि सोल्ड गुड एट द रेट 5% जीएसटी टू अमित इन जोधपुर, जो कि अमाउंट है 12 लाख। तो यहाँ पे आपको लिखना है सोल्ड गुड टू अमित इन जोधपुर। ओके, एज इट इज लिखा, देन 12 लाख बोला है, यहाँ पे 5% बोला है, तो 12 लाख का 5% कितना होगा? तो 12 लाख का 5% हमें निकालना है। तो 12 लाख 5% 60,000 आ रहा है, तो 60,000 आपको आईजीएसटी में लिखना होगा। बिकॉज कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी महाराष्ट्र प्रोवाइड किया है, तो महाराष्ट्र के बाहर का जो कुछ भी रहेगा वो आपको आईजीएसटी में मेंशन करना है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या करना है मैम? तो इन दोनों में कुछ नहीं करना, डैश कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर बोला है कि सोल्ड गुड एट द रेट 12% जीएसटी टू अभय इन मुंबई। मुंबई में बोला है, तो आप क्या करोगे? सोल्ड गुड टू अभय इन मुंबई, कितना अमाउंट दिया है? अमाउंट दिया है 11 लाख, 12% बोला है,
तो 11 लाख का 12%, ये 12% बोला है तो आपको हाफ करना होगा, हाफ करना होगा, इट मीन कि 6% यहाँ पे आपको लेना है। तो 6% आपको मुंबई बोला है, तो 6% कैसे, 6% इसलिए बिकॉज, तो यहाँ पे आपको 12% बोला है, तो 12%, तो 6% आपको सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भरना होगा, और एसजीएसटी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स भरना होगा, तो जो भी जीएसटी है तो दोनों का भरना होगा, तो 6% सेंट्रल एंड 6% स्टेट, तो इसलिए यहाँ पे 11 लाख इंटू 6% करोगे तो आपको 66,000 मिलेगा। ये देख सकते हो आप लोग, 11 लाख इंटू 6% तो 66,000 आ रहा है। अगर आप डायरेक्ट भी करते हो तो फिर भी आपको यहाँ पे डिवाइड इसका हाफ करना होगा तो उतना ही आ जाता है, इसलिए आप 66% दोनों में लिख दोगे, तो इसलिए यहाँ पे 6% मेंशन करना होगा। परचेस गुड एट द रेट 12% जीएसटी फ्रॉम पुणे, इस तरीके से बोला गया है, पुणे से आपने परचेस किया तो परचेस का यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे हम लोग टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ कर रहे हैं तो यहाँ इस कैलकुलेशन में परचेस की एंट्री नहीं आएगी। परचेस की एंट्री इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल वहां पे किया जाता है, जो कि नीचे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड सर्विसेस एट द रेट 18% जीएसटी टू पूजा इन दिल्ली, जिसका अमाउंट 1,50,000, सॉरी दिल्ली में बोला है 70,000 अमाउंट है, तो 17,000, 18% बोला है, ओके 18% बोला है तो 70,000, 70,000 का 18% करोगे तो 12,600 आएगा, ये आपका हो जाएगा आईजीएसटी, बिकॉज कि दिल्ली में यहाँ पे बोला है। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र का, जो भी महाराष्ट्र के अंदर का आएगा क्वेश्चन में महाराष्ट्र प्रोवाइड किया गया है, दैट्स वाई हमें महाराष्ट्र के अंदर का सीजीएसटी एसजीएसटी कंसीडर करना है। अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि वो आईजीएसटी है, मतलब कि बाहर का है, तो ये दिल्ली प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स वाई 12,600 आपका आईजीएसटी में आ जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में डैश हो जाएगा। ओके देन आपको यहां बोला है प्रोवाइड सर्विस एट द रेट 18% जीएसटी टू स्वीटी इन नासिक, नासिक में बोला है और 1,50,000 बोला है 18%, 1,15,000 का 18%, अभी नासिक तो महाराष्ट्र में ही आ रहा है तो इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों में होगा, तो 18 का हाफ आप कर दो, 18% भी करते हो तो उसका भी हाफ आप दोनों में पे करना होगा, तो 9% 9%, इसलिए 9% यहाँ पे लिखा है, तो 1,50,000 का 9% करोगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 13,500, 13,500 बोथ में। ओके देन आपको क्या करना है, ये अमाउंट है जो इसको टोटल करके आपको लिखना है, टोटल ए इसका नाम दिया गया। ओके देन नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलम बनाओ, वहां पे आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। पहले हमने फॉर द मंथ लाइबिलिटी हमने किया, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी करना है। यहाँ पे आपको जो भी परचेस की इंफॉर्मेशन दी गई है, परचेस गुड एट द रेट 12% जीएसटी फ्रॉम पुणे, जिसका अमाउंट था 50,000, तो परचेस किया है 12% परचेस किया था, तो परचेस की एंट्री हमें यहाँ पे डालनी होगी, तो परचेस गुड फ्रॉम पुणे 50,000 जो आपका अमाउंट दिया है उसको 12% बोला है, तो पुणे आपके महाराष्ट्र में आ रहा है तो 12% का हाफ आप दोनों में डाल दोगे, 6% यहाँ पे 50,000 का 6% 3,000 एंड एसजीएसटी में भी 3,000 मेंशन करोगे तो 6% मीन्स 12%, तो यहाँ पे 6% आएगा। देन यहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर कैलकुलेशन आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऐसे कॉलम मेंशन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेलेबल अवेल सर्विस इनवर्ड सप्लाई 5% जीएसटी फ्रॉम सूरत, ये आपके आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो इसलिए ये डायरेक्ट आईजीएसटी में जाएगा। कितना 5% बोला है, 3 लाख का, तो 3 लाख का 5% आप निकालोगे तो 15,000 आएगा, वो आईजीएसटी में मेंशन करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी में कुछ भी नहीं करना। देन आपको टोटल लिख देना है, ये बी हो जाएगा आपका आंसर।
फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आपको परचेस एंड अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जो भी रहेंगे वो यहाँ पे कंसीडर करना है, बाकी का यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स लायबिलिटी में कर दिया गया है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा जहां पे कैलकुलेशन इन नेट टैक्स लायबिलिटी, हमें बोला गया क्वेश्चन में कि नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने को बोला है, ये देख सकते हैं इसमें बोला है कैलकुलेट हर नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे आपका नेट टैक्स लायबिलिटी, तो आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है पर्टिकुलर आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टैक्स पेबल ए। अभी यहाँ पे टैक्स पे किया, ये जो ए का हमारा इंफॉर्मेशन था, तो टैक्स पेबल ए तो 72,600 आईजीएसटी में, देन यहाँ पे आप देख सकते होंगे 79,500 सीजीएसटी एंड 79,500 एसजीएसटी। तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा, जो मेरी ये टोटल थी फर्स्ट कॉलम की, फर्स्ट जो मैंने टैक्स लायबिलिटी का बनाया था, तो उसका मैंने यहाँ पे टैक्स पेबल ए की जो इंफॉर्मेशन है वो मेंशन कर दी है। अब ये मेंशन होने के बाद लेस करना है मुझे ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मुझे प्रोवाइड किया गया है 17,000 आईजीएसटी, 15,000 सीजीएसटी एंड 15,000 एसजीएसटी। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और इस तरीके से मैंने लेस किया है इसको। देन नेक्स करना है मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जो कि मेरा यहाँ पे टोटल आ रहा है 15,000 3,000 3,000, वही मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। आप लोग देख रहे होंगे इस तरीके से मैंने मेंशन किया। अब मेरा टोटल जो आएगा नेट टैक्स लायबिलिटी, उसे मैं पेबल कहूंगी, जो कि यहाँ 72,600 में 17,000 माइनस करूंगी, देन अगेन 15,000 माइनस करूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 40,600। आप लोग कैलसी में कर सकते हो। देन अगेन सीजीएसटी में भी मैं माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा टोटल 61,500, एंड अगेन मैं एससीएसटी में करूंगी तो 61,500। तो ये था मेरा आंसर और ये था क्वेश्चन हमारा जो कि मिस संगीता का है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर से रिलेटेड, तो डोंट आप अटेंड, ऐसा मत करना कि अटेंड ना करो, प्लीज अटेंड करना, बहुत ही इजी है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको इसके आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। एनी डाउट रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जो स्टूडेंट क्लास कॉलेज के लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते, तो उनको भी इस लेक्चर का, इस फुल एजुकेशन सपोर्ट जो आपको सपोर्ट कर रहा है, इसका बेनिफिट आप उठा सको। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, या आपका चैनल है तो आप अपने इस फैमिली में, फुल एजुकेशन सपोर्ट फैमिली में आप जुड़िए, और भी दोस्तों को साथ में लीजिए, ताकि हम एक दूसरे की हेल्प कर सके। और जो भी फ्रेंड लोग अपसेट रहते हैं कि डर लगता है कि कैसे एग्जाम देंगे, कुछ लेक्चर अटेंड नहीं किया, कैसे समझेगा, तो इस चैनल पे आके उनको थोड़ी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।